किसी तल के अक्षों पर अंतःखंड एबीसी है और यह मूल बिंदु से पी दूरी पर है, तो सिद्ध करना है कि ये इतना के बराबर होगा। अच्छा लिखेंगे कि तल का समीकरण, अच्छा अंतःखंड एबीसी है तो तल का समीकरण एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर वन हो जाएगा। ऐसे हम ले लेते हैं ए बी सी, यहाँ जाएगा बी सी एक्स, यहाँ जाएगा ए सी वाई, यहाँ जाएगा आपका ए बी जेड बराबर में वन, यानी कि यहां से हो जाएगा बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड बराबर में ए बी सी जो होगा, इसको इधर लेके आते हैं हम, बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड माइनस का ए बी सी बराबर जीरो। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बिंदु कहां से बात कर रहा है, मूल बिंदु, बिंदु जीरो 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 मूल बिंदु है ना, से तल बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड माइनस का ए बी सी की दूरी कितना दिया है आपके क्वेश्चन में, पी दिया है, दूरी आपकी पी दी हुई है। और हम लोग फॉर्मूले के आधार पर लिख सकते हैं मोड के अंदर बी सी इंटू जीरो प्लस ए सी इंटू जीरो प्लस ए बी इंटू जीरो माइनस का ए बी सी और बटा में रूट अंडर हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर और बराबर में पी। चलिए ऊपर ये सारे जीरो हो गए, ये मोड के अंदर माइनस में तो प्लस में ही हो जाएगा, मोड से बाहर निकलेगा तो, और नीचे रूट अंडर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में पी। दोनों तरफ वर्ग कर दे, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर। अब इसको पलट देते हैं, ठीक है, चलिए तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर में वन बाई पी स्क्वायर, है ना, पलट दिए दोनों तरफ। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर में वन बाई पी स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा, ऊपर वन बचेगा, ये दोनों भी कटेंगे, ऊपर वन बचेगा, ये दोनों भी कटेंगे, कौन बचेगा, तो यहाँ वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर बराबर में वन बाई पी स्क्वायर। इन्हें हमें प्रूव करके दिखाना था, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन।